नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 25x30 फीट का एक छोटा सा घर का नक्शा लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो नक्शा है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, इस प्लान को बनाने के लिए मुझे आप लोगों के द्वारा यूट्यूब पे कमेंट्स आया है, तो उम्मीद करता हूँ जिसने कमेंट्स किया उनको पसंद आएगा और आप लोग इस प्लान को ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्लान को मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह इसका फ्रंट है और 25 फीट है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वरांडा बनाया गया है जो कि 6 फीट चौड़ा है। और यहाँ पर देखिए, यह रेलिंग दिया गया है। आपको दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा कि यह ओपन रहेगा। यदि आप पैक कर देंगे तो यह वरांडा नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए, राइट साइड में स्टेयर केस बनाया गया है। तो जो स्टेयर केस होता है वह हमेशा दाहिने हाथ की तरफ मुड़ता हुआ होना चाहिए। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो लिविंग आउटलुक डाइनिंग दिया गया है। तो इसका साइज है 11x9 फीट का। उसमें देखिए, खूबसूरती से फर्नीचर का भी लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पर देखिए, 4x10 फीट का एक टॉयलेट दिया गया है। टॉयलेट का साइज बहुत बड़ा है क्योंकि इस घर में एक ही टॉयलेट दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, 6x10 फीट का किचन दिया गया है और इसमें गैस चूल्हे का अरेंजमेंट भी दिखाया गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस साइड एक बेडरूम दिया गया है। बेडरूम का साइज है 11x7x11x9 का। और इसमें देखिए, खूबसूरत बेड का लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पर भी एक बेडरूम दिया गया है, इसका भी सेम साइज है। तो फ्रेंड्स, यह रहा एक छोटा सा प्लान और छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि नमस्कार तरीके से समझ गए होंगे। आप लोगों आप लोगों का सपोर्ट कमेंट है तो हमें कमेंट करके तो बता सकते हैं। आप लोग एक बात और, चैनल फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो तो मेरा देख रहे हैं करें। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह प्लान कैसा लगा कमेंट्स करके हमें बताना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।